किंगशिप टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में आपका खैर मकदम है और इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के एक ऊपरी इलाके में जिसका नाम है शिमलर। इस इलाके की अगर हम बात करें, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुश्किलात हैं। इनका कहना है कि अगर इस इलाके की बात करें जो यहाँ से एक सड़क जाती है चंदूसा से लेके बारामूला से लेके शिमलर तक, ये काफ़ी बाबा ऋषि ये काफ़ी खस्ता हाल, इनसे जानते हैं क्या कुछ मुश्किलात हैं आपके। आपका नाम क्या है, क्या मुश्किलात हैं आपकी? मेरी मुश्किलात क्या है, सब आवाम की मुश्किलात है, सारे गांव के इलाके की मुश्किलात हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे वाला जो ये रोड टूटा हुआ है, ये बरसों से टूटता है, फिर ठीक किया जाता है, फिर टूटता है, लेकिन आरजी तो ऐसे मुकम्मल कोई भी ठीक करने के लिए ना आया ना देखा अब तक किसी ने। तो मेरे LG साहब से यही गुजारिश है, बड़े बड़े जो महकमे के लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि बरए मेहरबानी करके इसके सिलसिले की जाए ताकि इलाके को भी थोड़ी राहत पहुँच सके, गाँव को भी, बीमारों को भी, स्कूल वालों बच्चों को भी। यहाँ भी स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ प्रोटेक्शन है ऊपर से, तो इन चीज़ों पे अगर थोड़ी नज़रसानी की जाए तो आवाम को भी थोड़ी राहत पहुँचेगी। कितने वक्त से ये मुश्किल है, मुश्किलात है सड़क की अगर हम बात करें, काफ़ी खतरा है यहाँ पे, एक्सीडेंट होने का भी खतरा है बहुत सारा, बहुत सारा। पिछली बार भी हुआ, ये 2-3 बार JCP से थोड़ा सा इसको जो टूट गया था फिर नए से बनाया। अभी आप देख रहे हैं पीछे वाला जो ये रोड है, ये अभी जब बारिश होती है या विंटर का सीजन आता है तो टूट जाता है, फिर ठीक किया जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो मुझे ये बताइए, अगर हम इस वक्त की बात करें, मौजूदा वक्त की बात करें, सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है, लीडर्स हर जगह से लीडर्स आ रहे हैं, करना चाहिए उनको पहले ये ठीक या जीतने के बाद वो करेंगे? ये जीतने के बाद कोई नहीं पूछता किसी को, जीतने के बाद कोई नहीं पूछता किसी को, ठीक, मतलब अपना मतलब मफाद निकल गया, फिर कोई पूछता है किसी को? आज जिस पे नज़रसानी की जाए तो बात। तो आपको नहीं लगता यहाँ से जो लीडर आजकल आते हैं जाते हैं, दिन भर हज़ारों आते हैं जाते हैं, अपने मतलब के लिए वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, एक कहता है मुझे डालो, दूसरा कहता है मुझे डालो, बस अपना मतलब निकल गया तो बस। इसकी तरफ ये जो सड़क ख़राब है इसकी तरफ किसी को नज़र नहीं पड़ी है? मेरी तरफ इस हिसाब से आपको लगता है कि किसी ने देखा होगा यहाँ? इस हिसाब से लगता है LG साहब से हमारे से यही गुजारिश है कि कम नज़रसानी की जाए, इंसानियत है, इलाका है, बाबा ऋषि से गुलमर्ग से अटैच हो रहा है ये रोड, यहाँ का गांव है, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल आते जाते, स्कूल की गाड़ियाँ हैं, कभी कभी स्कूल की गाड़ियाँ उस रोड मोड़ से यहाँ नहीं आ सकती। क्या मुश्किल आता है आशा से सड़कों में यात्रा नहीं उसे गुमा का आख कल चैन मानस से इसको मत मुझे जब जो रूट पर सोचे आज तुझे नहीं कहीं फेसबुक गौर ही कर नहीं कहीं कोता वरी कोता सा कोता रेत गया से मुश्किलात वनस सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म, क्या बसान तुम चाहे लीडर वह कुछ मगर गोम सड़क प्रत कार सख्ती क्या सख्ती प्रत रंग न सड़क न गर ठीक न दुक बंड न दुक तमाम मुश्किलात मे सरकार दावा कर काम कर कत कु जाए अल्लाह तला गाज दुत हस मकान इत पलहन गुत तथा तव न बंड सलहन बारिश सत्य पुछे कह नजर तक तलान वापस रुपये सा ज़्यादा दिवान कड़ित इलाके के लोग इनका यही कहना है कि पिछले 80 साल की अगर हम बात करें, हमने हमेशा वोट डाला है, जो भी सियासी नुमाइंदा हमने चुना उसको वोट दिया, लेकिन वोट देने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आई और उसका नतीजा ये निकला कि लोगों को अभी भी ज़मीनी सतह पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुंसिफ TV के लिए बारामूला से कौशल अरबाज़।